आज का शुभ संदेश वीतरागता क्या है। वीत का मतलब नहीं, कम होना, खाली होना, और राग का अर्थ होता है कि स्नेह, जहां पर मोह, यहां पर राग का अर्थ मोह होता है, तो मोह का विलय होना, मोह का कम होना, मोह का उपशमन होना वीतरागता कहलाती है। वीतराग हुए बिना हमें केवल ज्ञान नहीं हो सकता, केवल ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। मुक्ति है हमारे जीवन का लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति करने के लिए हमारे भीतर वीतरागता की उत्पत्ति होना बहुत जरूरी है। वीतरागता की उत्पत्ति है मोह को जीतने से होती है, यानी संसार के जितने भी सुख है, जितना हमारा इंद्रिय सुख है, उसमें हमको अनाशक्ति पैदा करना, परिग्रह में अनाशक्ति पैदा करना, धन संपत्ति, सत्ता, संबंध संपत्ति, इन सब के अंदर जो है वह अपने को अनाशक्त भावों के अंदर डालना, ये सारी वीतरागता है। और ये वीतरागता प्राप्त होना हमारा लक्ष्य है। वीतरागता तब प्यारी प्राप्त होती है जब हमारी आत्मा की प्योरिटी बढ़ती जाती है। जो जो हम आशक्ति से अनाशक्ति की ओर जाते हैं, जो जो हम अटैचमेंट से डिटैचमेंट की ओर जाते हैं, जो जो हम राग से विराग की ओर जाते हैं, क्यों क्यों हमारी वीतरागता बढ़ती है। वीतरागता बढ़ाने के लिए जो है हमें अपना जो स्वरूप है, निज स्वरूप की पहचान करनी चाहिए। हमें अपने को आपको बार बार प्रश्न करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं कौन हूँ। और जब हमारे भीतर से जवाब मिलेगा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो धीरे धीरे जो है हमारा मोह घटता जाएगा। मोह जो ही विलय हुआ, जो ही वीतरागता बढ़ती जाएगी, संपूर्ण के मोह के विलय होने से पारमा गुणिस्तान वीतरागता आती है।